बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें सेशन 2021-22 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। इसके मुताबिक जल्द ही एमबीबीएस और बीडीएस का एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें दो एडवर्टाइजमेंट दी जाएंगी, एक में एडमिशन स्केड्यूल जो है वो बताया जाएगा और नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो बताया जाएगा। और इस प्रोसेस में सहूलत के लिए कैंडिडेट्स ने पहले से ही कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार कर लेने हैं। ये जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये तैयार करना जरूरी है, अदरवाइज उनकी जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट होगी और उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। मजीद स्टूडेंट्स ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उनकी एक डिजिटल कॉपी जो है वो तैयार कर लेनी है। डिजिटल कॉपी किस तरह से तैयार होती है? स्टूडेंट्स ने मोबाइल डिवाइस को यूज करके यानी कैम स्कैनर के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेना है, या फिर स्कैनर के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके भी महफूज किया जा सकता है। तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट ने तैयार करने हैं, पहले नंबर पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो होता है ये पंजाब के जो बोर्ड्स हैं वो इशू करते हैं। अगर किसी ने मैट्रिक नहीं किया हुआ यानी ओ लेवल किया है तो उसका उसका ओ लेवल का सर्टिफिकेट साथ साथ उसका जो इक्विवेलेंस होता है जो आईबीसीसी इशू करता है वो भी होना जरूरी है। सेकंड नंबर पर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जिसको हम एफएससी कहते हैं ये पंजाब बोर्ड से इशू होता है, ये चाहिए। अगर किसी ने एफएससी नहीं की हुई तो उसका ए लेवल आईबी अमेरिकन 12th ग्रेड का जो सर्टिफिकेट होता है ये चाहिए होता है। इसके साथ साथ उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ये भी दरकार होता है। तो जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वालिफिकेशन फॉरेन से है उन्होंने अपने जो ओरिजिनल रिजल्ट्स हैं वो अपलोड करने हैं, जिसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ का होना फिजिक्स और मैथ में किसी एक का होना जरूरी है। थर्ड नंबर पे ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी क्वालिफिकेशन फॉरेन से है यानी ए लेवल आईबी या अमेरिकन ग्रेड्स हैं उन्होंने अपना एक सर्टिफिकेट जो जो उनके जो बोर्ड्स होते हैं वो इशू करते हैं वो चाहिए होते हैं। उसके साथ साथ इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो आईबीसीसी इशू करते हैं वो भी चाहिए होते हैं, ताकि उनके जो नंबर्स हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स या मैथ में उनको कैलकुलेट करके उनका मेरिट जो है वो पीएमडीसी की डायरेक्शन के मुताबिक बनाया जा सके। क्योंकि एफएससी के जो मार्क्स हैं वो टोटल कैलकुलेट नहीं होंगे, जस्ट साइंस सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट होंगे मेरिट की कैलकुलेशन में। चौथे नंबर पे एमडी कैट का जो रिजल्ट्स हैं वो स्टूडेंट ने साथ लगाना है। अगर किसी स्टूडेंट ने एमडी कैट 2020 में पास किया है, 2020 में जो एमडी कैट का जो रिजल्ट था वो 200 नंबर के ऊपर मुश्तमिल था, इस दफा जो रिजल्ट्स हैं वो 210 नंबर पे मुश्तमिल है, तो लिहाजा उसका इक्विवेलेंस जो है वो लेना है। इक्विवेलेंस लेके तो फिर उसने अपना जो रिजल्ट है वो सबमिट करना है एमडी कैट का जो रिजल्ट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट पांचवें नंबर पे, तो स्टूडेंट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनकी डबल नेशनैलिटी है तो उनके फादर या मदर का पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है।
यानी फादर या मदर किसी एक का पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है। छठे नंबर पे वैलिड CNIC सर्टिफिकेट शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट, स्टूडेंट का वैलिड शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट होना जरूरी है। सातवें नंबर पे फादर या मदर का वैलिड शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। आठवें नंबर पे स्टूडेंट की जो पिक्चर्स हैं वो पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए और उसकी जो बैकग्राउंड है वो वाइट या स्काई ब्लू कलर में होनी चाहिए। नौवें नंबर पे उसके स्पेसिमेन सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये एक वाइट पेपर के ऊपर होना जरूरी है और इसमें जो पैड इस्तेमाल होगा वो ब्लू या फिर ब्लैक कलर में होना चाहिए। यानी एक एक चीज स्पेसिमेन सिग्नेचर्स हैं और सेकंड पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस हैं, ये एक पेज के ऊपर होने जरूरी हैं। दसवें नंबर पे अगर कोई स्टूडेंट हाफिज़े कुरान है और वो 10 एडिशनल मार्क्स को क्लेम कर रहा है तो उसके पास वफाकुल मदारिस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर कोई ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं तो फिर उसका रेलेवेंट नेशनल अथॉरिटी जो है उससे सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। बी, अगर कोई स्टूडेंट कोई कैंडिडेट डिसेबल है तो उसका डिसेबल का सर्टिफिकेट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना जरूरी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जरूरी है तो साथ उसकी जो डिसेबिलिटी की नेचर है वो भी बताना जरूरी है। अगर उसकी आंख में मसला है, कोई भी मेजर डिसेबिलिटी है तो वो मेंशन करना जरूरी है। यानी एक सर्टिफिकेट होगा जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से इशू होगा उसमें नेचर ऑफ डिसेबिलिटी मेंशन करना जरूरी है। सी पे, अगर ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ताल्लुक अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से है यानी डीजी खां, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोतना, बख्खर या लहिया से है, तो ऐसे कैंडिडेट उन्होंने अपने सर्टिफिकेट स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट बनवाने हैं। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट हो सकता है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो सकता है। उसमें उनकी क्लास पहली क्लास से लेके 12th तक, 12वीं क्लास तक उनकी एजुकेशन मेंशन होगी और उनके हेडमास्टर से ये सर्टिफिकेट इशू होगा और इसको वेरीफाई करवाया जाएगा ईडीओ एजुकेशन से। अगर स्कूल लेवल है तो ईडीओ एजुकेशन से उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाया जाएगा। अगर कॉलेज है तो कॉलेज को जो वेरीफाई करने वाले जो अथॉरिटी है वो डीईओ कॉलेजेस होगा और इन सर्टिफिकेट को फर्दर काउंटर साइन किया जाएगा डिप्टी कमिश्नर से। जिस डिस्ट्रिक्ट का ये सर्टिफिकेट बनवाया जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर होगा इसको काउंटर साइन करेगा। नेक्स्ट पे चुलिस्तान की सीट्स हैं, इसमें भी वो मेंशन किया जाएगा कि स्टूडेंट जो है बाय बर्थ चुलिस्तान का ही रहने वाला है और उसके उसका उसने एक स्टैम्प पेपर पे स्पेसिमेन जो है वो भी फिल करके देना है। नेक्स्ट पे ई है, जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मजीद कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने हैं। उसके लिए स्टे कार्ड, रेजिडेंसी परमिट कार्ड है, ग्रीन कार्ड, रेजिडेंट कार्ड, सिमिलर कार्ड, इस तरह के जो जो कार्ड्स हैं वो उन्होंने साथ अटैच करने हैं जिनकी जो वैलिडिटी जो है वो 6 महीने से कम की नहीं होनी चाहिए। उनके पास वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए। अगर वो डुअल नेशनैलिटी हैं तो फॉरेन पासपोर्ट वो भी वैलिड होना चाहिए और उनके पास थर्ड पे वैलिड शनाख्ती कार्ड का होना जरूरी है जो नादरा से इशू होगा।
इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन विद रिगार्ड टू सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पहले नंबर पे आपने अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, अगर आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट कंसीडर होगी। अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ उनके रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ आपने अटैच करने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ है कि हमने शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई कर दिया है, डोमिसाइल बनाने के लिए अप्लाई कर दिया है, ये उसकी रिसीट है, तो वो जो रिसीट है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी और आपके जो फॉर्म होगा, आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो इनकम्प्लीट कंसिडर होगी। नंबर दो पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रीडेबल होने चाहिए, प्रॉपरली उनको स्टडी किया जा सके। अगर वो इंग्लिश में नहीं है, किसी और लैंग्वेज में है, तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कंसर्न्ड एम्बेसी से तैयार करवानी चाहिए, यानी उसका आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी बनवाना है उसकी कंसर्न्ड एम्बेसी से। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन करने हैं, इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 dpi होनी चाहिए और हर फाइल का जो साइज है वो 2 MB पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी 2 MB पर डॉक्यूमेंट से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो हैं ये JPEG, JPG या PNG फॉर्मेट में होने चाहिए, बाकी जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं ये PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। नंबर चार पे अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किया है वर्टिकली तो उसका वैसे ही पोर्ट्रेट फॉर्मेट में ही उसकी अपीयरेंस होनी चाहिए। अगर वर्टिकली है तो उसका जो अपीयरेंस है वो वर्टिकली होनी चाहिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट हॉरिजॉन्टली आप स्कैन कर रहे हैं तो उसकी जो अपीयरेंस है वो भी हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए। पांचवें पे आपने सभी डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में अपलोड नहीं करना, यानी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उतनी फाइलें तैयार करनी हैं और जो सा डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर रहे हैं आपने उसी के नाम से उसका जो फाइल है वो उसी के नाम से उसको सेव कर लेना है। अगर एक जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उसका एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, मसलन स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह, आप इनका एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। नंबर छह पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह जो पासपोर्ट होता है इसके कई पेज होते हैं, या फिर डबल साइडेड डॉक्यूमेंट जिस तरह शनाख्ती कार्ड होता है, तो उनको आप सेव कर सकते हैं एक PDF फाइल में। और जब आपने पासपोर्ट को स्कैन करना है तो इनकी नंबरिंग का जो ऑर्डर है वो ठीक होना चाहिए। सातवें नंबर पे आपने जो डॉक्यूमेंट्स सेव करने हैं उनको प्रॉपर उनका नाम देना है अपलोड करने से पहले, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ऊपर पासवर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ होना चाहिए। जब आपने पिक्चर या सिग्नेचर को स्कैन कर लेने हैं तो इनको आपने डिफॉर्म नहीं करना, कहीं से उसको प्रेस या उसकी लंबाई या चौड़ाई में इजाफा या कम उसमें कमी नहीं करनी, ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो खराब ना हो। तो आपने जो फोटोग्राफ या आपके जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं ये किसी और बंदे के हैंडओवर नहीं करने जिनको आप जानते नहीं हैं,
या आपका जो डिजिटलाइज जो डेटा है ये किसी अजनबी के हैंडओवर नहीं करना। आपने कॉशन में दिया हुआ है कि आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो सही डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अटैच करने हैं, इनकी कंप्लीट इनको चेक किया जाता है और किसी किस्म की जो आप गलत डॉक्यूमेंट साथ अटैच करते हैं तो अगर ये चीज इस चीज का पता चल जाता है तो जो कैंडिडेट होता है वो 7 साल के लिए बैन हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।